गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप स्वस्थ होंगे. स्टूडेंट वेलकम इन आवर क्लास. बच्चों आज हम जितनी बार भी क्या है, कई बार हम ऐसे काम करते हैं कि वो चीज हमारे मन में तो होता है लेकिन हमें उसको शब्दों में लिखने में प्रॉब्लम आती है कि हम कैसे लिखें. मान लो आप कोई 8 या 10 या 10 या 15 लाइन लिखना चाह रहे हो, जो बात आपके मन में है या आपके मन में विचार है, किसी भी विषय पर आप कोई चीज लिखना चाहते हो, आपके दिमाग में है, आप तो चीज समझ तो आ रही है आपके, लेकिन आप लिखना चाह रहे कि आप लिखोगे कैसे. तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जो भी आप 10 से 15 लाइनों के बीच में लिखोगे, एक तो उसको बोलते हैं अनुच्छेद. क्या बोलते हैं उसको? अनुच्छेद. यानी कि आप किसी भी टॉपिक पे जब आप लिखना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या होना चाहिए. ठीक है बच्चों, आज हम ये करेंगे अनुच्छेद लेखन. हम कोई भी टॉपिक ले लेते हैं, यानी कि जैसे हम ले लें प्रकृति और हम. बच्चों प्रकृति, पहले आप उसके बारे में आपको पता होना चाहिए हमारे लिए क्या है वो. अब प्रकृति यानी कि जो पेड़, प्रकृति में क्या है? पेड़ पौधे, यही तो प्रकृति है. जो प्रकृति ने हमें क्या दिया है, जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है. तो ये हमारे लिए और हमारे लिए क्यों यूजफुल है, क्या काम है इनका? तो एक सबसे पहले हमें इसके अपने दिमाग में ये सोचना होगा, हमें ये पता होना चाहिए कि जो प्रकृति है उसमें क्या है. प्रकृति में है पेड़ पौधे, ठीक है. तो पेड़ पौधे और हमारा क्या कनेक्शन है, वो हमें, इनके बगैर तो मनुष्य का शुरू से ही प्रकृति के बीच में रहा, पेड़ पौधों के बगैर इंसान का जीवन संभव ही नहीं है. और दूसरी, इंसान की जो सारी जरूरतें हैं कौन पूरी करता है? पेड़ पौधों से फल फ्रूट मिलते हैं, हवा मिलती है, लकड़ी मिलती है ना. और हमें सबसे बड़ी जो हमारे जीवन के लिए सबसे जरूरी वो है ऑक्सीजन गैस, वो भी हमें पेड़ पौधों से ही मिलती है. तो दोनों का कनेक्शन है ना, हमारा और पेड़ पौधों. तो बच्चों आपको अपने ही दिमाग में ऐसी चीजें बना के चलो, हम उसको जैसे वो हमारे लिए यूजफुल है और हम उनके साथ क्या कर रहे हैं, यानी कि पेड़ों को काट रहे हैं और इसका परिणाम क्या होगा, वायु प्रदूषण फैल जाएगा, ठीक है ना. फ्रूट मिलेगा ना, फल मिलेगा ना, सब्जी मिलेगी ना, ताजी हवा मिलेगी. तो हमने अपने दिमाग में चार चीजें बना लेनी है कि क्या इसका यूज है, क्या है वो चीज क्या है. दूसरी है हम उसके बारे में क्या इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं और उसका रिजल्ट क्या होगा. ठीक है बच्चों, आज हम करेंगे अपना अनुच्छेद लेखन और हमारा टॉपिक है प्रकृति और हम. अब आपको पता होना चाहिए प्रकृति में क्या आता है, पेड़ पौधे. देखो बच्चों पेड़ पौधे है, किसी एक इंसान ने तो बनाए नहीं है, ये तो नेचर ने दिए. अलग अलग तरह के फूल वाले हैं, फल वाले पौधे हैं, कोई किसी दूसरे किसी चीज का पौधा है, किसी चीज का पेड़ पौधे हैं, तो अलग अलग तरह के. तो ये तो इंसान ने तो बनाए नहीं है, किसने बनाए हैं, ये तो नेचर ने बनाए हुए, यानी प्रकृति ने बनाए हुए हैं. तो ये किसका उपहार है, प्रकृति का उपहार है. तो हम सबसे पहले ये लिखने से पहले, ये हमारा टॉपिक है प्रकृति और हम, तो हमें अपना अनुच्छेद लिखने के लिए हम उसके लिए संकेत बिंदु बना ले. संकेत है कि जब हम अपने पाठ को 4 या 5 में लिख लेते हैं, यानी कि हम ये बिंदु, मतलब हम संकेत के हमें इशारा मिल जाए, यानी कि हमें ये पहले इसके बारे में लिखना है, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में. अब संकेत बिंदु में पेड़ पौधे प्रकृति का अनोखा उपहार है. ठीक है बच्चों, अनुच्छेद लेखन में हम अपने जो हमारा अनुच्छेद है उसके 4 हिस्से कर लेते हैं. पहले ऊपर वाले को एक हेडिंग दे दी, प्रकृति का अनोखा उपहार. फिर दूसरे वाले को हेडिंग दी, उपयोगिता, यानी कि उसका क्या इस्तेमाल करते हैं हम. अब फिर है प्रदूषण का कारण और फिर है परिणाम. ठीक है बच्चों, जब हम ये लिख लेते हैं तो हमें आगे लिखने के लिए सबसे पहले हम इस टॉपिक को पकड़ेंगे, पहले इसके बारे में लिखेंगे, फिर हम उपयोगिता लिखेंगे, फिर प्रदूषण का कारण लिखेंगे, फिर परिणाम लिखेंगे, और ये हमारा हो जाता है 10 से 15 लाइनों के बीच.
तो मैं आज आपको प्रकृति और हम जो अनुच्छेद है ये लिखवाऊंगी और आप उसको समझकर लिखेंगे, क्योंकि आगे भी जब आप अनुच्छेद लिखोगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारा संकेत बिंदु है कितना जरूरी है। तो बच्चों ये हमारा है प्रकृति और हम संकेत बिंदु है, पेड़ पौधों की, पेड़ पौधे प्रकृति की अनुपम सौगात या अनोखा उपहार, उपयोगिता, प्रदूषण के कारण और परिणाम। जब हम ये कर लेते तो हम ये देखें, प्रकृति और मानव का पुराना संबंध है, प्रकृति ही मानव की आवश्यकताएं पूरी करती आ रही है, ये हमें इसके अंदर लिखना है। प्रकृति और मानव का पुराना संबंध है, प्रकृति ही मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी करती आ रही है, मनुष्य सदा से ही पेड़ पौधों पर आश्रित रहा, पेड़ पौधों पर आश्रित रहा है, क्योंकि इससे पहले जब आदि मानव था तो जंगल से ही फल फ्रूट खाता था और ऐसे अपना जीवन यापन करता था, अपनी जिंदगी को गुजारा करता था। पेड़ पौधे प्रकृति की अनुपम या अनोखी सौगात है, यानी कि उपहार है। पेड़ पौधे ने सदा मानव को संरक्षण, संरक्षण होता है सहारा दिया है, पेड़ पौधों ने सदा ही मानव जीवन को संरक्षण दिया है। संरक्षण देखो, धूप पौधा, पेड़ पौधे खुद धूप में रहते हैं लेकिन वहां से गुजरने वाले लोगों को वो सहारा देता है, यानी कि छाया देता है। या कई पेड़ के नीचे अपनी कुटिया भी बना लेते हैं, पहले घर बना ले, कुटिया बना लेते थे, क्योंकि पेड़ की जो छाया है उसको क्या, जो झोपड़ी होती थी उसको बचाव करता था इससे, धूप से, आंधी से, बारिश से। पेड़ पौधे हमें फल फूल, दूध, हवा, लकड़ी तथा ईंधन देते हैं। अब हमने उपयोगिता आ गई, क्या है इसका, एक तो आश्रय देता है, दूसरा पेड़ पौधे ने सदा मानव को संरक्षण दिया है, फिर ये पेड़ पौधे शुद्ध हवा और लकड़ी देते हैं। अब आगे प्रदूषण कर, पर मनुष्य आज लालच में आकर लगातार पेड़ पौधों को काटकर वनों को नष्ट करता जा रहा है, इससे वह स्वयं अपने पांवों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। अब पेड़ पौधे वो तो मनुष्य को बहुत कुछ देते हैं, इंसान को बहुत कुछ देते हैं, अब ये फल फूल, शुद्ध हवा, लकड़ी और ईंधन देते हैं, लेकिन मनुष्य जब उसी पेड़ को काट देगा, यानी कि जहां से हमें इतनी चीजें मिल रही है, और फिर उस चीज को खत्म कर देगा, यानी कि पेड़ पौधों को काट देगा, तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है ना, उन्हें बिना सोचे समझे काटता जा रहा है, जिसके कारण पर्यावरण में बदलाव आ रहा है। पर्यावरण यानी कि हमारे चारों ओर का जो वातावरण है वो, पर्यावरण जो हमारे चारों ओर जो वातावरण है वो, और प्रदूषण निरंतर बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण यानी देखो, जहाँ जहाँ फैक्ट्रियों का धुआं निकल रहा है, ट्रैफिक का इतना धुआं होता है, तो वहाँ पर अगर पेड़ नहीं होगे तो सांस लेने में दिक्कत होगी ना, तो पेड़ क्या, जो वो हवा है, गंदी जहरीली हवा है, उसको साफ में बदल देता है, ऑक्सीजन देता है, और ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड वो लेता है। प्रदूषण घटे, बाढ़ ना आए, अकाल ना पड़े, ये क्या होता है, अगर प्रदूषण होगा तो बाढ़ भी आएगी, अकाल भी पड़ेगा, क्यों, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो फिर बारिश कहां से आएगी, प्रदूषण बढ़ जाएगा, बाढ़ आएगी और अकाल पड़ जाएगा, जब पेड़ पौधे नहीं होंगे और बारिश नहीं होगी तो फसल भी नहीं होगी, इसके लिए हमें पेड़ लगाने होंगे। बच्चों अगर अकाल पड़ जाए, यानी कि खाने के लिए कुछ ना हो, और बाढ़ आ जाए और प्रदूषण हो जाए, तो जिंदगी हमारी मुश्किल हो जाएगी ना जीने। पेड़ों पर हमें, हम और पक्षी जगत निर्भर है। अब ये देखो, पेड़ों पर पक्षी रहते हैं ना, घोंसला बनाते हैं,
और जो पक्षी भी किससे जीवित होते हैं, जब पेड़ों पर कुछ भी कोई फल लगता है उनको खाकर, और क्या होता है, पक्षी जीवित रहते हैं, वहां पर घोंसला बनाते हैं। पेड़ों के कटने से अनेक पशु पक्षियों की जातियां भी समाप्त हो रही है। अब देखो, पहले छोटी छोटी गोरैया होती थी, कितनी होती थी, बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन पेड़ ज्यादा कट रहे हैं तो जो गोरैया है वो भी खत्म हो रही है। जो पेड़ पक्षियों की जो बहुत सारी जातियां होती है ना बच्चों, अलग अलग तरह की, पहले तो बहुत अलग तरह के पक्षी होते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे पेड़ों के कटाव ज्यादा हो रहा है तो इससे पक्षियों की जातियां भी खत्म हो गई है। मनुष्य यदि इस प्रकार पेड़ पौधे काट कर प्रकृति को हानि पहुंचाता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब वह हरी भरी प्रकृति और वन बंजर बन जाएंगे। तो वह दिन दूर नहीं कि मैं, यानी कि जल्दी ही यह धरती और ये वन और प्रकृति बंजर हो जाएगी, यानी कि हरियाली की जगह सब जगह ये सुनसान होगा, यहाँ पे पेड़ पौधे कुछ नहीं होगा, ना कोई पक्षी नजर आएगा। अतः हमें समय रहते सचेत होना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि समय रहते ही हमें इनका ध्यान रखना होगा और पेड़ों की कटाई नहीं करनी होगी, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। तो आज हमने किया अपना प्रकृति और हम, तो देखो संकेत बिंदु से कितनी हेल्प मिली। जब संकेत बिंदु कर लेते हैं बच्चों तो फिर ये हम उसके अकॉर्डिंग, हम उसके अनुसार ही हम आगे लिखते हैं, और अनुच्छेद हमेशा 10 से 15 लाइनों के बीच में होना चाहिए, और जो जो सेंटेंस है वो छोटे होने चाहिए, और भाषा भी इसकी सरल होनी चाहिए, ठीक है। आपको साथ साथ ये लर्न करना है। तो स्टूडेंट, आज हमने अपना अनुच्छेद लेखन किया है, आज साथ क्या जो प्रकृति और हम हैं। तो आगे आपको किसी भी विषय पर लिखना हो तो पहले आप संकेत बिंदु बनाए, फिर आप उसको आगे लिखे, और जो आज हमने किया है आप उसको समझ के लिखे, साफ साफ नोटबुक में लिखे और लर्न करें। अपना ध्यान रखिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, आगे के लिए हम कल के लिए दूसरा अनुच्छेद लिखेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।